लेके टॉप मोस्ट पॉइंट पे बैठा हूँ इस समय। यू आर एट फिफ्थ लेवल, अभी चलते हैं सिक्स्थ लेवल। ये लेवल सेवन्थ, ये है लेवल एट्थ, और ऊपर है लेवल नाइन्थ। वन देन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फ्लोर एंड सेवन्थ एट्थ एंड देन नाइन्थ। ये अपना रूम है, अपन कल रात को आए थे यहाँ पे, इतना थक गए थे, बस रोटी और दाल खाई और मैं सो गया। अपने यहाँ पे तीन लोग और हैं अपने साथ, और व्यू देखिए आप खिड़की से। ये पैलेस है, अभी मैं यहाँ जाऊँगा। और यहाँ पे हमारे एक रूममेट है, रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनकी मैराथन है। चैटिंग। तो यहाँ मैंने एक ही नाइट का स्टे बुक कराया था, अभी अपन एक और दूसरे वाले गेस्ट हाउस में चलते हैं और वहाँ देखते हैं वहाँ पे कैसा इंतजाम है। तो फिर फाइनली हम अपने नए वाले गेस्ट हाउस में आ गए, ये काफ़ी सही है। मैंने टॉप का रूम लिया है, टॉप फ्लोर का। इसका रेट 1500 पड़ा है पर नाइट, वो बोल रहे हैं वैसे तो 2500 में देते हैं, बट अभी थोड़ा ऑफ सीज़न है, मैं अकेला हूँ, तो 1500 विद ब्रेकफास्ट बेस्ट। अभी थोड़ी सांस आ रही है, एक्लिमेटाइज होने की ज़रूरत है, तो यहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। पहले ले पैलेस चलेंगे, अभी हालत है तो ले पैलेस चढ़ने में क्या हालत होगी। एनीवेज बढ़िया रूम है। तो ये है पैलेस की रोड। तो यहाँ आने के बाद आपको दो रास्ते हैं, या तो आप इधर से जा सकते हैं, मैं गया था थोड़ी दूर तक, और दूसरा ये शॉर्टकट बताते हैं, ज़िगज़ैग होते हुए आपको पैलेस तक ले जाएगा। वही बेटर है भाई, वही चलते हैं वापस। सो आपको ऊपर जाते समय ये ड्रेनेज की मेटल कवरिंग्स फॉलो करनी है, और एक इंटरसेक्शन आएगा तो यहाँ पे आपको लेफ्ट मुड़ जाना है। ये वुडन वर्क की एक वर्कशॉप है, यहाँ से सीधा। सांस फूल गई भाई वो। यहाँ ये मेटल कवरिंग ख़त्म हो जाएंगी, तो यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो दोनों पैलेस को अप्रोच करेंगे अपन, ये रहते हैं। सो यहाँ की पक्का रास्ता ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा हमें क्लाइंब करना होगा और वहाँ पे हमें एंट्री मिल जाएगी। क्या व्यू है, अमेजिंग। सो मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं पैलेस है, यहाँ से बस आई थिंक 4-5 मिनट की और क्लाइंब है, फिर अपन पहुँच जाएंगे। But the view is just amazing.
सो यहाँ आने के बाद अपने पास दो रास्ते हैं, एक तो यहाँ जाता है जहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट्स लगी हुई हैं, और एक इधर जाता है। सो लाइट्स की रास्ते में मत जाइए क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है, आगे जाके ख़त्म हो जाता है। मैं होके आ गया हूँ, वहाँ पे एक मिले थे, उन्होंने बोला है कि ये है सही रास्ता, तो हम इधर से जाएंगे। सो अगर आप दूसरे रास्ते से आते और अपने व्हीकल से आते तो यहाँ से आते, ये रास्ता डायरेक्ट पैलेस में जाता है। सो यहाँ हमने 25 रुपीज़ का टिकट लिया है इंडियंस के लिए, 300 का फॉरेनर्स के लिए है। तो हम लोग ले पहले से एंटर करते ही सबसे पहले फ़ोटो एग्जीबिशन में गए, उसके बाद जैसे ही हम यहाँ आए थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ के ऊपर, तो यहाँ पे हमें ये मिला प्लीज़ माइंड योर हेड। और ले पैलेस जो है टोटल 400 ईयर्स पुराना है, इसमें टोटल 9 फ्लोर्स हैं। तो अभी हम बस अंदर आए हैं, यहाँ पे होली श्राइन है, इसके अंदर आप जा सकते हैं, बस शूज़ वगैरह बाहर एंड फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। फिर हम 4 सीढ़ी और चढ़े, तो यहाँ पे हमें बताया कि यू आर एट 5th लेवल, काफ़ी जल्दी आ गया नहीं। फिर यहाँ पे एक फ़ोटो एग्जीबिशन है, ऊपर चलते हैं। यहाँ पे लेवल 6th to 8th। यहाँ पे ऑडियो विजुअल हॉल है, तो ये जो ऑडियो विजुअल हॉल है यहाँ पे आप ज़रूर जाइए, यहाँ पे आपको पूरे महल की सारी हिस्ट्री और डिटेल्स के बारे में बताएंगे। एक यहाँ पे ख़ास बात बताइए, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये चीज़, या फिर आप ये देख सकते हैं ये वुड है, ये भी यहाँ की एक कारीगरी है, ये आपको पूरे महल में मिलेगी। चलते हैं 6th लेवल, यहाँ के दरवाजे बहुत छोटे हैं। यहाँ पे फ्लोरिंग भी वुडन है, सीलिंग भी वुडन है, डोर्स भी वुडन ही है, विंडोज डोर्स भी। यहाँ पे रिस्टोरेशन का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम करती रहती है, उन्हीं के अंडर ये है महल। व्यू यहाँ जैसे जैसे आप ऊपर आते हैं व्यू अच्छा होता जाता है। यहाँ ऊपर चलते हैं, ये लेवल 7th। जब हम लेवल 7th पे आएंगे तो आपको ये दिखेगा रॉयल अपार्टमेंट, जिसकी एक्सेस नहीं है, अंदर कुछ थोड़ा बहुत दिख रहा है बट नॉट मच। तो थोड़ा बहुत जो महल है वो नॉर्मल पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। इस महल की खास बात एक और है कि जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे जो रूम्स हैं वो काफ़ी छोटे हैं, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे रूम्स का एरिया बड़ा हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि जो वॉल्स हैं वो नीचे काफ़ी थिक हैं और ऊपर की तरफ जाते हुए वॉल्स को थिन कर देते हैं ताकि नींव पे ज़्यादा जोर ना पड़े। ये सब मुझे उस ऑडियो विजुअल हॉल में मालूम पड़ा है। और ऊपर चलते हैं, ये है लेवल 8th।
और ऊपर है लेवल 9th। लेवल 9th में जाना अलाउड नहीं है नॉर्मल पब्लिक के लिए, क्योंकि ये एक होली प्लेस है और यहाँ पे सिर्फ पूजा अर्चना ही होती है स्पेशल ओकेजन्स पे। और 9th फ्लोर बनाया भी इसलिए गया था क्योंकि लद्दाख में 9 नंबर को काफ़ी शुभ मानते हैं। तो बात ऐसी है कि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बोला भी नहीं जा रहा है, बट यहाँ पे आना वर्थ इट है, बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना चाहिए। वो आप देख सकते हैं पार्किंग, अभी ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन है सुबह जितना जल्दी आ सके आइए, ताकि आपको कोई भीड़ भाड़ ना मिले और आराम से तसल्ली से पूरा महल देख सकें। ये महल बहुत बड़ा नहीं है, तो 10 से 15 मिनट में आप पूरा महल घूम पाएंगे। और अब वापस चलते हैं नीचे। तो फाइनली अपन पैलेस देख के वापस जा रहे हैं। यहाँ की टाइमिंग है मैं आपको बता दूँ, मॉर्निंग 8 बजे खुल जाता है, रात को 8:30 तक चलता है। रिकमेंडेशन अगेन यही है, मॉर्निंग में आए, भीड़ बहुत कम मिलेगी, ज़्यादा मज़ा आएगा, और प्यास लगे तो टिकट काउंटर पे पानी है, यहाँ पानी पी सकते हैं। अब वापस नीचे चलते हैं और देखते हैं और क्या घूम सकते हैं यहाँ पे। सो ले पैलेस के अगर आपको 9 फ्लोर्स काउंट करने हैं तो अंदर जाके आपको मालूम नहीं पड़ेगा, तो बाहर से आप देख सकते हैं, आप विंडोज़ काउंट कर सकते हैं। सो वहाँ पे यू विल सी वो पहली विंडो है 1 देन 2, 3, 4, 5, 6 फ्लोर एंड 7th, 8th एंड देन 9th। सो मैं नीचे जैसे ही आया पैलेस से बाहर तो मुझे दिखा ऊपर एक मोनेस्ट्री है और कुछ लोग ऊपर ट्रैक कर रहे हैं। मन किया मैं भी चलता हूँ, पता नहीं कर पाऊँगा कि नहीं, बट ट्राई करने में क्या जाता है। उसके लिए एक पानी की बोतल ले ली है और चलते हैं। सो थोड़ी दूर तक तो आ गए हैं, काफ़ी रास्ता बाकी है। हैप्पी असेंट या सो ये दो लोग हैं जो जर्मनी से आए हैं, ये लोग 6 महीने ट्रैवल कर रहे हैं पूरा वर्ल्ड। सही है, यहाँ 6 दिन की छुट्टी मिलने में हालत ख़राब हो जाती है। देखते हैं कितनी दूर कितना टाइम लगता है। सो थोड़ा रास्ता कवर कर लिया है, थोड़ा सा बाकी है। अपना रास्ता तो वैसे यहाँ से है, बट ये लोग वहाँ चले जा रहे हैं, पता नहीं, चलते हैं देखते हैं। हम आ गए हैं सेमो मोनेस्ट्री, जो कि 1430 के अराउंड बनाई गई थी, और हालत बहुत ही ख़राब है, बोला भी नहीं जा रहा है, और नॉन स्टॉप तो नहीं, आई थिंक 5-6 छोटे छोटे ब्रेक्स लेके कंप्लीट करी है। बस थोड़ी सी ऊपर जाके और मोनेस्ट्री में चलते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट है बिना एक्लिमेटाइजेशन के नेक्स्ट डे इतना ट्रैक करना, बट फन तो एडवेंचर में है। आइए आगे चलते हैं। आप अभी मैं ले के टॉप मोस्ट पॉइंट पे बैठा हूँ इस समय, जहाँ तक जा सकते क्योंकि ऊपर तारा लगा है। इसको सेमो पैलेस कहते हैं, सेमो कैसल, नीचे मोनेस्ट्री है यहाँ पे, और
बस थोड़े ही ऊपर स्टेप्स चढ़ के ये चीज़ आती है। यहाँ से मुझे मेरा जिस हॉस्टल में मैं रुका था वो दिख रहा है यहाँ से, और अब जहाँ पे मैं रुका हूँ वो पैलेस के इधर है। सो फाइनली वर्थ इट क्लाइंब रही। वहाँ पे वो स्तूपा है, अगर कैमरे में दिख रहा हो तो आपको दूर, वहाँ पे लेह एयरपोर्ट है जहाँ से अभी मैंने दो फाइटर जेट्स की टेक ऑफ देखा। मेरे हिसाब से आज के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैक हो गई है। अपन ने लेक पैलेस देख लिया और सेमो मोनेस्ट्री आ चुके हैं, अब अपहिल तो काफ़ी कर लिया, अभी बस डाउनहिल और जाना बाकी है। सो फाइनली नीचे आ गए हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरा किला फतेह कर लिया है। ये ट्रैक मोस्ट रिकमेंडेड ट्रैक है अगर आप ले आते हैं तो। नीचे आने में मुझे लगे टोटल 10 मिनट, ऊपर जाने में हालत ख़राब हुई थी, बट बहुत ही वर्थ इट, बहुत ही रिकमेंडेड, प्लीज डू इट। अब वॉक करके वापस नीचे जाते हैं। सो मैं भी दुष्यंत के साथ हूँ। अपन ने टोटल 10 मिनट में कर लिया। हाँ, वहाँ से नीचे आने में हमको समय नहीं लगा। हाँ, पांव थोड़े से कप 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 कर रहे हैं भाई, अपनी तो पूरी बॉडी कप कप कर रही है। अभी अपन सिंह पंजाबी ढाबे में चल के खाना खाएंगे। अंदर सरदार जी बोल रहे हैं बस भाई 2 मिनट वेट करो। हमने कहा ठीक है। खाना तो गलियों में ही स्वाद ही मिलता है, बाहर सिर्फ शोशा है। सो एवरीवन, अभी अपन जा रहे हैं शांति स्तूप। ले मार्केट से अराउंड 30-40 मिनट्स का वॉक है। सो जब आप इस वाले जंक्शन पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको दो रास्ते मिलेंगे। एक ये है जो सीढ़ियाँ आपको ऊपर लेके जाती हैं, ये शायद 555 सीढ़ियाँ हैं, और दूसरा है ये। तो अपन सीढ़ियों से चलते हैं। गिनते हुए चलेंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, देखते हैं कितनी होती हैं। सभी अपन आधा रास्ता आ गए, आधा और बाकी है। ये अभी बहुत टफ लग रहा है। सो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा एक दिन में तीनों चीज़ें करने का, पैलेस, मोनेस्ट्री और स्तूपा। अपना टाइम लेके करें। चलते हैं आगे। फाइनली अपन ने शांति स्तूपा भी कवर कर लिया है एक दिन में, तीनों, पैलेस, मोनेस्ट्री और स्तूपा। सनसेट भी यहाँ पे देखा, बहुत मजे आए, बहुत ही बढ़िया व्यू था। यहाँ पे इवनिंग में इसको लाइट किया जाता है तो काफी अच्छा लगता है उससे भी, बट आई डोंट थिंक मैं यहाँ पे रात पे रुकूंगा, मैं नीचे से ही देखूंगा कैसा लगता है। अभी अपन चलते हैं क्योंकि यार ठंड बहुत हो गई है, हवा बहुत तेज़ चल रही है और मैंने बस एक पतली सी टी शर्ट पहन रखी है। तो ये रास्ता है स्तूपा का, वापस जाएंगे यहाँ से। अब मैं सोच रहा हूँ नीचे वाली रोड लूँगा वापस जाने के लिए, क्योंकि स्टेज से बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा लेग्स पे। तो अभी चलते हैं। यहाँ पे एक कैफ़े भी है, बस थोड़ा सा यहाँ पे जाके, तो अगर आपको किसी को खाना पीना हो, कुछ स्नैक्स लेने हो तो वहाँ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से 6:30 पे मैं निकला हूँ। अभी भी लोग यहाँ पे ऊपर आ रहे हैं अपनी बाइक से।
सो अगर आप पैदल ऊपर आते हैं तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि यहाँ पे कोई ऑटो या टैक्सी मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं अपनी गाड़ी रिजर्व करके आते हैं, तो आपको अगर पैदल आए हैं तो पैदल ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे जिप लाइन भी हो रही है, अगर चाहे तो शॉर्टकट लेके वहाँ तक जा सकते हैं। भैया क्या रेट है इसका जिप लाइनिंग का, क्या रेट है? 600 रेट है इसका। सो जहाँ से शुरू किया था हम वहीं पर आ गए हैं 20 मिनट में एग्जैक्टली बाय रोड।